झुंझुनू के बगड़ थाना इलाके के मठ शराब ठेके पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 दिन की भागदौड़ के बाद मामले का पर्दाफाश कर दिया। एसपी जेशी शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि करीब 1 से 1.5 दर्जन लोगों के शामिल होने की जानकारी मिल रही है। फिलहाल 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इसके अलावा इनके साथ वारदात में शामिल एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया गया। आपको बता दें कि 7 मई को मठ शराब ठेके पर फायरिंग की गई सूचना के बाद में पुलिस ने 8 से 10 टीम्स का गठन किया और इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दिनांक 7/5/2020 को झुंझुनू जिले के बगड़ थाना क्षेत्र में मठ गांव के जो बस स्टैंड पे मठ जो गांव है बस स्टैंड पे एक शराब के ठेके के सामने 3 कैंपर गाड़ियों में आए करीब 15-20 बदमाशों ने दिन के करीब 10:30 के आसपास अचानक गोलियां चला के और दहशत का वातावरण फैला दिया और गोलियां चलाने के बाद वो वहां से भग गए और उनका भोजपुर की तरफ जाना बताया। सभी टीमों के समन्वित प्रयास से हमने 4 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं और 1 नाबालिग अपराधी है जो इसी टीम का मेंबर है उसको निरुद्ध किया है। इनको गिरफ्तार किया है, 1 बाल अपचारी को निरुद्ध किया है, इन सभी को बापरदा गिरफ्तार किया गया है।